जिले के पाबो क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में पुलिस और एसडीआरएफ टीम का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अब एसडीआरएफ टीम नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल पुलिस को अब तक घटनास्थल के आसपास से मिले चार बैग्स, चार मोबाइल, जूतों के आधार पर ये संभावना जताई जा रही कि कार में चार लोग सवार थे, लेकिन अब तक सिर्फ एक व्यक्ति का ही शव रेस्क्यू टीम खोज पाई है। वहीं पुलिस अन्य लोगों की तलाश कर रही है। बता दें कि बीती रात एक कार नदी में जा गिरी। घटना की सूचना मिलने के बाद से ही एसडीआरएफ और पुलिस टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। ये कल शाम को चौकी इंचार्ज पाबू द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी कि एक गाड़ी दुर्घटना होने की सूचना है, जिस पर जो है चौकी पाबू का फोर्स थाना पौड़ी से, पैठानी से और उसके अलावा हमारी एसडीआरएफ श्रीनगर, एसडीआरएफ सप्ली की टीम और फायर सर्विस सभी टीमें मौके पर पहुंची। तो रात को रेस्क्यू अभियान चलाया गया तो उसमें जो है एक व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद हुई थी, उसको जो है मोर्चरी भिजाया गया। उसके अलावा जो स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें चार से पाँच लड़के थे, जिसमें कि एक डेड बॉडी बरामद हो चुकी, बाकी और लोगों की भी पूर्ण जानकारी नहीं मिली है, तो जिसके लिए सर्च अभियान अभी